जय जय श्री जगन्नाथ, जय जय श्री जगन्नाथ, जय जय श्री जगन्नाथ। धन्यवाद सहयोगी पंडित पद्मनाभ त्रिपाठी शर्मा, बड़ सुंदर भाव जावत सहयोग करते महाप्रभु सिंह द्वार अरुण स्तंभ आपण मैंने दर्शन करमय दृश्य। हाँ भक्त मैंने गदे आज कौन घटना कौन अबे आज दिन से हेनी कौन तेरे जा महाप्रभु दर्शन अपरूप दर्शन सौंदर्यमय दर्शन आपण मानक समस्त शुभ संध्या। श्रीनीलाचल कंदरोदरगत मुनींद्र नीलोत्पलम प्रेक्षे दैत्य गजेन्द्र दर्पदलनम सर्वासी पंचाननम सक्ता चंचलया परितममलम पक्षी सरत्न मंडपम तं वंदे हृत पारिजातमजमुम नीलाद्री चूड़ामणि। महाप्रभु होंगे नीलाद्री चूड़ामणि। हाँ बढ़िया सुंदर कथा। महाप्रभु नीलाद्री चूड़ामणि, गोपाल चूड़ामणि, भूपाल चूड़ामणि, ये महाप्रभु सब चूड़ार मणि। चूड़ा अर्थ कौन? शीर्ष श्रेष्ठ। से चूड़ा देहरे ये मणि अर्थ जेते सबू श्रेष्ठ, जेते सबू ज्येष्ठ, जेते सबू वरिष्ठ, जेते सबू प्रकृष्ट, जेते सबू परमार्थ सिद्ध, ये सबूर मणि होती महाप्रभु श्री जगन्नाथ। नील पर्वतर कंदर भितरे प्रस्फुटित नील पद्म भली जे देखा जाउचंती एवं जे राक्षस एवं कंसर हाथीर जे कुबलया तार गर्व को चूर्ण करथिले एवं जे पंचमुख मध्य होइथिले जहाँकर नाट मंडप गरुड़ चंचल एवं निर्मल भाव शोभा पाउचंती जे स्वर्गरु पारिजात हरण करथिले से नील पर्वतर शिरोमणि को संध्या समय रे प्रणाम। आपण मानकर आज संध्या शुभ संध्या एवं जहाँ किछि दिन जाक कर्म थिबो महाप्रभु चरण रे आपण समर्पण कर दिंतु। आउ मात्र 26 दिन अपेक्षा एथर रथयात्रा देखिबा बिना विज्ञापन विरती रे केवल जय जगन्नाथ टीवी रे। आज शीतल षष्ठी एवं श्रीमंदिर रे जल क्रीड़ा नीति, आसंता काली श्रीमंदिर रे माजणा एकांत जेहेतु आसंता काली गुरुवार। घरे बसी निज टीवी परदारे श्रीक्षेत्र पुरी धाम रु प्रत्येक दिन सकाळु महाप्रभु जगन्नाथंकर लाइव दर्शन करी निजर दिन को मंगलमय करंतु। या सहित महाप्रभुंकर वर्ष सारा होता समस्त दिव्य लीलार सीधा प्रसारण देखंतु केवल जय जगन्नाथ टीवी रे। हाँ ये चैनल को देखिबा पाई आपण को डीटीएच ओ केबुल ऑपरेटर को सहित आज ही जोगाजोग करनी जो मैंने देख न पारुछंती। तेबे संध्या समय रात्रि उपगत भल कथाटी आसे दिन कर नवे कमलिनी संग दिन करे नव कमलिनी संगे भ्रमर विलास चाही राग युक्त होई अस्ताचल कोले पहुड़िले दिन साई सूर्य अस्ताचल को चली गले हला कौन कुमुदिनी प्रेम परीक्षा मानसे आसी आसी गोपन रे आचंबिते विधु परकाश होई गले मध्य गगन रे। विधु माने चंद्र धीरे धीरे दिन अपसरी गला अस्ताचल को सूर्य गमन कले स्वभाव कवि गंगाधर मेयर सुंदर पंक्ति की वर्णना करुचंती जेते बेले दिन साई पहुड़िले अस्ताचल को कुमुदिनी कौन कले कुमुदिनी अर्थात धीरे धीरे रात्रि फूल जे कई प्रस्फुटित होगाकू लगे कुमुदिनी कांत विरह विधुरे होइथिला लानमुखी कांत दर्शने प्रसन्न बदने विकसिला होई सुखी। जय जगन्नाथ की सुंदर कथा। कुमुदिनी कांत विरह रे विधुर थिला काई विधुरा थिला काई विधुरा थिला ना दिन रे पद्म एवं राति रे कई ए रात्रि पुष्प कई पुष्प कुमुदिनी एम दिन रे किए से ना कमलिनी दुई जन जाक क गोटे कमलिनी गोटे कुमुदिनी
तेबे जेते बेले चंद्रंकर उदय हला चंद्र आसीले चंद्र देखा गले सेते बेले कौन हला ना कांतंकु दर्शन करी कारण चंद्र लागी कुमुदर जन्म एवं सूर्य लागी कमलर जन्म तेणु कांतंक दर्शन करी प्रसन्न बदन रे सुखी हेकि विकसित हला एवं प्रस्फुटित हला एवं खुशी हला एवं हसरे खिलखिल हसी उठिला तो कई फूल माने फुटी उठिले। गोटे कथा आपण देखिबे कहाँ पाई विपद कहाँ पाई संपद फल कथा टी मने रखि थांतु बाहा केड़े सुंदर सौंदर्यमय दृश्य आपण देखुचंती महाप्रभु पाखरे तुलसी लागिची वस्त्र धारण करिचंती नाम घर भली मने होउची तेबे जा होना कहीं जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा सौंदर्यमय दृश्य आपण माने दर्शन करुचंती हरिनाम कीर्तन संकीर्तनर दृश्य गोटे पेट्रारे लिखा जा कारण हरिनाम सबुठारु श्रेष्ठ नाम महामंत्र हरे कृष्ण 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 हरे हरे आउ एपटे महाप्रभु श्री जगन्नाथ स्वतंत्र सर्वतंत्र तेणु एठी गोटे कथा आसला कौन मर्त्यविनिवासिनी प्रेमे वस चंद्र देखा कु तारा माने लज्जा भरे मुख देखाई न पारी लुचि गले अपमाने एठी गोटे कथा धीरे धीरे चंद्र आसीबा पुणी चंद्र जेतेबेले सकाळ आसी जाए चंद्र लुचि जीवा तेणु ये दिन आउ राति ये उभय को देखिले वर्तमान रात्रि उपगत एवं एठी गोटे कथा को कहा जाइछि जदि किछि कहा पई विपद कहा पई संपद तेणु विपद संपद चिरस्थाई नुए घूर्णमान भाव चक्रे ये घूर्णमान जमीती महाप्रभु को आखि काई कि गोल आमे समस्ते बुली बुली केन्द्र बिंदु रे पहुंचु थाए खाली आमे गिरी गिरी बुलुचे तेणु महाप्रभु को चका आखि आमको एया सिखौछि जे ये विपद आउ संपद ये केही चिरस्थाई नुहंती आज जदि विपद अच्छी ताहा दूरेई जीव आउ काली निश्चित भावरे आम पाखकु संपद प्राप्ति हेबो किंतु जदि बा आज संपद अच्छी तार माने नुए जे या चिरस्थाई हेकि रहिबो काहे कि क्षण के विपद क्षण के संपद विपद पुणी दंड के तेबे विपद संपद ये उभय जेमिति सुख आउ दुख कौन ना गोटे मुद्रार दुईटी पार्श्व से भली विपद संपद कौन ना गोटे मुद्रार दुईटी पार्श्व एवं जे कि गोटे मार दुईटी पुओ कहिले अत्युक्ति हेब नाही एमाने विपद केते बेले कोळो छाड़ीबा को चाहेनी संपद केते बेले पाख माड़ीबा को इच्छा करेनी तेबे ता पई कौन तापाई केवल गोटे जिनिष आपण देखुचंती महाप्रभु श्री जगन्नाथ पतित पावन भगवान आनंदर उत्स सिंहद्वार गुमुट सिंहद्वार गुमुट भितरे भक्त माने जाउचंती एपटे देखुचंती सिंहद्वार सिंह ए सिंह को देखिले भल कथा मने पड़ी जाए वास्तव रे आपण माने देखिबे ये सिंहर 14 ना सेतिपाई स्कंद पुराण रे 14 सिंहर वर्णना करा जाइछ आ महाप्रभु को वर्तमान आरंभ धीरे धीरे हवा को जाउछि ये जो उत्सव आपण देखुचंती दोहली उत्सव अति सुंदर अवश्य धीरे धीरे प्रस्तुति पर्व चलीछि एवं उत्सव रे विभिन्न प्रकार साई मानकरे जात मेड़ कारण काली शिव विवाह आज शीतल षष्ठी नगर भ्रमण एवं बर कन्या को नगर भ्रमण करेबार जो दृश्य धीरे धीरे आपण माने आग को आउरी निश्चित भाव रे रात्रि दसटा पर सीधा प्रसारण देखि परिबे ओइगिरी नंदिनी नंदित मेदिनी माने केते सुंदर भाव रे आपण देखुचंती माने भुज गुड़िक सब माँ सते जेमिती माने प्रसन्न बदन एवं नतमुखी हेला भाई देखा जाउचंती मुकुटटी टिके तळकु आसी जाइछि ए मुकुटटी जो तळकु आसी जाइछि से आउ टिके ऊपर को रहिबो महाप्रभु सिंह द्वार रे समस्ते षोडश भुजा सते जमी माँ मानने षोडश भुजा दर्शन आम पाऊे कहीं जो माँ दर्शन बास्तव में आप देखिए
जय चराचर जगत जननी जय राजराजेश्वरी आरती आरत घोर तरंगिणी तरणे तो पद तरी। ये होंगे माँ राजराजेश्वरी धीरे 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 आ कि सुंदर दृश्य आप देखुं ये मेढ़ सोल जरी जम्बुरा ये सब प्रस्तुति कराई ये पुरीर श्रीक्षेत्र पुरीर पश्चात भाग को आसे केमी बंधा जाने देखते केते बड़ हो धीरे 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 आग को आरती अमल कमल चरण जुगले शरण गलिया कूले मात शरण गलिया कूले शरण रक्षिणी लगाओ वहन संकट सागर कूले। माँ होची शरण रक्षिणी जे शरण गले से रक्षा करती पाद जुगल को ही आम शरण करुचे। माँ धीरे धीरे पद रजरे आग को आगे आसती त्रिशूल धारिणी माँ मध्य त्रिशूल धारण कर डम्बरू धरी ये डम्बरू अच्छे दुर्गति नासिनी दुर्गा जो रूप ये रूप को आम आज देखा पाचे कारण विपन्न विपद दावाग्नि नासिनी तोह कृपा का दम्बिनी कृपा कर मोते अघमर दिनी अभय वरदायिनी। माँ धरी त्रिशूल कौन पाई ना भक्त को अभय प्रदान करुंट दुष्ट को संहार कर देखुं महाप्रभु श्री जगन्नाथ आसुजे ते दुख विपद मो प्रति केबे चली न जाऊ मोर छाती जिते दुख विपद आसुना कहीं केबे हेले धैर्य हरावा उचित नुहे। बड़दाण्ड दृश्य जो देखुं आपण माने सिंहद्वार भक्त मानक समागम महाप्रभुक चका नयन बड़ देउल उपरे पति तपावन मेघनाद प्राचीर कल्प वृक्ष कल्पवन एवं एपटे कुर्म प्राचीर देवदेव काशी विश्वनाथ मंदिर बाईसी पहाचरे पंचानन ते ये दर्शन आम संध्या समय आलोकमाला जिते आलोक प्रस्फुटित हो सीधा रश्मि जाई विछुरीत होमला बेढ़ एकादशी महादीपर दर्शन अवश्य ये आलोक पड़ुची बोध हुए मो मतरे निजस्व मत भावना अनुसार जितेबले एकादशी महादीप जिबे नहीं कि ये आलोक बोध हुए बंद करा जाई पारे ए आलोक काईकि ना ये लाइटा जो आखिरे पड़े से पहुँचे किसी देखा जीवन देखा जाऊ एकादशी दिन आम देखा तेबे एबे तो शीतल षष्ठी आज तो शीतल षष्ठी तेबे महाप्रभु श्री जगन्नाथ कथार आपण मैंने देखिए विपदर बंधु विपदर जेतेबेले आमे महाप्रभु आमको देइछंती बुद्धिर दाता होउछंती वासुदेव महाप्रभु को नमो भगवते वासुदेवाय कहा जाए। महाप्रभु को आम सदा बेले डाके महाप्रभु कहते अरे हे मु परा तते बुद्धि देइछि तू प्रयोग करूनु तू मो पर्यंत काई अपेक्षा करू मो पर्यंत जेमिति बुद्धि द्वारा कौन गोटे भल कथा आसी देखिए गोटे ज्ञान मार्ग रे भगवान को पाइबा भक्ति मार्ग रे भगवान को पाइबा ये उभय भितर बुद्धि परिप्रेक्षी आगे रहे आपण देखु छात उपर भगवान ठिया होते हाथ ठारिक समस्त डाकुं ये भगवान ठिया हो पशिं समस्त डाकुं कहते आस आ भक्त आ कोल नवा को मुझ चाह बस समस्ते आस गोटे लंबा सीढ़ी पड़ी पद्म फूल केमी देखुंत आप महाप्रभु लगे गोटे लंबा सीढ़ी पड़ी माँ तोरण लक्ष्मी आप दर्शन करुंत नीति में गुरुवार माजणा नीति हुए माँ को आप जानते माजणा नीति में बड़दाण्ड नाई ये परिक्रमा मार्ग चतुर्पार्श्व उत्तर द्वार पट पार्श्वर मार्ग तेबे जेतेबेले सीढ़ीटी पड़ी भक्त मैंने सब से सीढ़ी चढ़ी जी गला महाप्रभु सानिध्य लाभ कला आउ जड़े भक्त चढ़ाक गला जितेबले चढ़ाक गला सी चढ़ी पार्लानी कहला अरे आस आस आ मो पाख गुआ कि चढ़ी न पारा कहला कौन करी जय जगन्नाथ महाप्रभु कौन करी गोटे कथा कहला कहला प्रभु ये सीढ़ीटा कौन पाई पड़ी ना ये सीढ़ीटा एतिपाई पड़ी मो पाख को समस्ते आसबे ना ये चिड़ीटा सीढ़ीटा जो पड़ी वो खाली आपण को जावाई आउ कि कम ना ना हाँ ये आसी पारे ओल्ल पारे ना अच्छा मु तो चढ़ी पारुनी आपण तो ओल्ल पारे ना हाँ मुझे ओल्ल पारि ना आपन टे पलैस मो पाख को मुझे
ମହାପ୍ରଭୁ ତା ପାଖକୁ ଓହ୍ଲେଇକି ଆସି କ'ଣ କଲେ, ତାକୁ କୋଳେଇ ନେଲେ। ତେବେ ଏଇଠି ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଜ୍ଞାନ ମାର୍ଗର ସିଡ଼ି ଆମ ପାଇଁ ପଡ଼ିଛି। ଯେଉଁମାନେ ସିଡ଼ିରେ ଚଢ଼ିକି ଯାଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ଜ୍ଞାନ ମାର୍ଗର ଭକ୍ତ, ଯେଉଁମାନେ ସିଡ଼ିରେ ଚଢ଼ି ନ ପାରୁଛନ୍ତି ଭକ୍ତି ବଳରେ ଭଗବାନ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ପଳେଇ ଆସନ୍ତି। ବୋଲ ଆନନ୍ଦ କନ୍ଦ ଜଗନ୍ନାଥ ଭଗବାନ କି ଜୟ। କଥାଟା ଚିନ୍ତା କଲେ କେତେ ଅତି ସରଳ କଥା। ଯେଉଁମାନେ ଘରେ ବସିକି ଯେଉଁମାନେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଘରେ ବସି ନିଜ ଟିଭି ପରଦାରେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ପୁରୀ ଧାମରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁ, ଆର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ସେ କୌଣସି ବିଜ୍ଞାନ ବଳରେ ହଉ ବା କୌଣସି ତକନିକରେ ହଉ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁଛି ତ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଳତୀ ହେଲା, ଆମେ ଭାବୁଥିଲେ ଏ କ'ଣ ହେଲେ ଚାଲିଥିବ, କିନ୍ତୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଟିଭି ଖୋଲୁ ଖୋଲୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଳତୀ ଆମେ ଘରେ ବସି ଦେଖିପାରିଲେ। ଅର୍ଥ କ'ଣ ହେଲା ନା, ଆମର ଭକ୍ତିର ପ୍ରାବଲ୍ୟତା ଏତେ, ମହାପ୍ରଭୁ ନିଜେ ଆମକୁ ଦର୍ଶନ ଦେବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଦେଲେ। ତେଣୁ ଭକ୍ତି ସଦାବେଳେ, ଯେଉଁ ଭକ୍ତ ଆଉ ଭକ୍ତି, ଇଏ ହେଉଛି ଭକ୍ତି ମାର୍ଗ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଅବୁଝା ପୁଅ ହେଉଛି ଭକ୍ତ। ଜ୍ଞାନ ମାର୍ଗରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା, ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଟାଣି ଆଣିବା। ଆନନ୍ଦ ବଜାର ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏଇଠି ସ୍ନାନ ମଣ୍ଡପ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସ୍ନାନ ମଣ୍ଡପରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଆସିକି ବସିବେ। ଆଜି କାହିଁ ବସୁନାହାନ୍ତି? ଆଜି କାହିଁ ବସିଲେନି? ନାଇଁ, ସମୟ ସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା। ମହାପ୍ରଭୁ ସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଅର୍ଥ କ'ଣ ନା, ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ବସିବେ। ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ମହାପ୍ରଭୁ ଏଠି 108 ଗରା ଜଳରେ ସ୍ନାନ କରିବେ। ଭକ୍ତ ଦେଖିଲେ ଆପଣ 21 ଦିନ ଚନ୍ଦନ ଯାତ୍ରା କଲେ, ଆମେ ଦର୍ଶନ କଲୁ, ଯାହା ତ ହେଲା ଶେଷକୁ ତ ଏମିତି ଆପଣ କରିଦେଲେ ଜୀବନ ସାରା ଏ ବର୍ଷର ଚନ୍ଦନ ଯାତ୍ରା ଭଉଁରୀ ଯାତ୍ରାକୁ ଆମେ ଭୁଲି ପାରିବୁନି। ଆମକୁ ପୁରା ଭଅଁର ଭଳିଆ ଏମିତି ବୁଲେଇ ଦେଲେ, ଯାହା ଅବସ୍ଥା ଗଲା ଆମେ ଆଉ କେବେ ତାକୁ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ କେବେ ଭୁଲି ପାରିବେନି। ଆଉ ବିଶେଷ କରି ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରବାସୀ ତ ମାନେ ବାଣ ଫୁଟିବା ନାଁ ଧରଲେ ଛାତି ଥରିଯିବ। ଯାହା ଇଏ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର କ'ଣ ଲୀଳା, ତୋ ଲୀଳା ତତେ ଅଗୋଚର, କାହୁଁ ଜାଣିବେ ନର ଛାର। ଉତ୍ତର ଦ୍ୱାରର ଦୃଶ୍ୟ ଆପଣ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ମହାପ୍ରଭୁ 21 ଦିନ ଚନ୍ଦନ ଯାତ୍ରା କଲେ, ଭିତରେ 21 ଦିନ ଚନ୍ଦନ ଯାତ୍ରା କରୁଛନ୍ତି। ଭକ୍ତ କହିଲେ, ଭାଇ ପ୍ରଭୁ ତମେ ତ ଭିତରେ ଚନ୍ଦନ ଯାତ୍ରା କରୁଛ, ଜଳ କ୍ରୀଡ଼ା କରୁଛ, କେତେ ଲୋକଙ୍କ ଭାଗରେ ପଡ଼ୁଛି, କେତେ ଲୋକ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି? ଏ ତ ଘଣ୍ଟେ ଠିଆ ହେଲା ବେଳକୁ ବେରିଗେଟ୍ ଭିତରକୁ ଗଲାବେଳକୁ 4 ଘଣ୍ଟା ଯାଇଥିବ, ଆମେ ଆଉ ଦେଖିବୁ କେତେବେଳେ ନା? ତାହେଲେ ଏମିତି ଗୋଟେ କଥା, ଗୋଟେ କାମ କରୁନ, ମୁଁ ପଳେଇ ଆସୁଛି, ତମେ ଯଦି ମୋ ପାଖେ ପହଞ୍ଚି ନ ପାରୁଛ, ଏ ବଡ଼ ଦେଉଳ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ପତିତ ପାବନ ବାନା ଉଡ଼ୁଛି, ମୁଁ ପଳେଇ ଆସୁଛି। ଯେ ମୁଁ ପଳେଇ ଆସୁଛି ବୋଲି ସ୍ନାନ ମଣ୍ଡପରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଆସିକି ବସି ପଡ଼ିଲେ ସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ। ହେଲା କ'ଣ, 108 ଗରା ଜଳରେ ସ୍ନାନ କଲେ, ସମସ୍ତେ ଦାଣ୍ଡରେ ଘାଟରେ ଯେଉଁଠି ଯିଏ ପାଇଲା ଠିଆ ହୋଇକି ଦର୍ଶନ କଲା ମହାପ୍ରଭୁ ସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ। ତାପରେ ପରେ କ'ଣ ହେଲା, ଯେତେବେଳେ ମହାପ୍ରଭୁ ସ୍ନାନ କଲେ ହେଲା କ'ଣ, ତା ପର ଦିନକୁ ଆଷାଢ଼ ମାସ ଆସିଗଲା, ସାରା ପୃଥିବୀ ଆର୍ଦ୍ର ବା କର୍ଦ୍ଦମାକ୍ତ ହେଲା। ତେବେ ଏଠି ଭକ୍ତି ବୁଦ୍ଧି ବଳରେ ଭକ୍ତ କ'ଣ କରେ, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଯାଏ। ଗୋଟେ କଥା ମନେ ପଡ଼ିଯାଉଛି, ବିପଦ ଯେତେବେଳେ ଆସେ, ତୁଳସୀ ମଞ୍ଜରୀ ଆପଣ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି, ତୁଳସୀ ଗଛ ତୁଳରେ ହେବାରୁ ସେ ବେଶୀ, ତେଣୁ ତା ନାମ ତୁଳସୀ। କୃଷ୍ଣ କହନ୍ତି ଅସି ଅସି, କୃଷ୍ଣକୁ ଦିଅ ତୁ ତୁଳସୀ ରେ ମଦାଳସୀ, ପୃଷ୍ଟ ହୋଇବେ ବ୍ରହ୍ମରାଶି ରେ ମଦାଳସୀ। ହୃଷ୍ଟ ହରେ ରୂପଳା ମୂର୍ଦ୍ଧନେଶ ତଳେ ଟ ହେଲା ହୃଷ୍ଟ। ଲୋକ କେହି କେହି କହନ୍ତି ହୃଷ୍ଟ, ହୃଷ୍ଟ ନୁହଁ, ହୃଷ୍ଟ ହେଲେ ରାଗିବା, ହୃଷ୍ଟ ହେଲେ ଖୁସି ହେବା। ଯେମିତି ଋଷିକେଶ, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମ ଋଷିକେଶ, ଗୁଡ଼ାକେଶ, ଅନେକ ନାମ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର। ତେବେ ମଣିଷ ଯେତେ ବାଧାବିଘ୍ନ ଆସିଲେ ବି ତାକୁ ଡରି ନ ଯାଇକି ସଦାବେଳେ ସାହସର ସହିତ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ ବା ସାମ୍ନା କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ତାକୁ ଡରିଯାଏ, ବିପଦର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୁଏ ନାହିଁ, ସେ ହିଁ କେବଳ ହଇରାଣରେ ପଡ଼ିଥାଏ। ଯେମିତି ଉତ୍କଳମଣି ଗୋପବନ୍ଧୁ ସୁନ୍ଦର କଥା କହିଛନ୍ତି, ବିପଦ ପ୍ରଭୁଙ୍କ କଷଟି ପାଷାଣ, ପରଖନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ନର ହୃଦ ଟାଣ। ବିପଦ ହେଉଛି ଯେମିତି ବଣିଆ ସୁନାକୁ ନେଇକି ପଥରରେ ଘସି ଘସି ଘସିଥିବେ, ତାଥିରୁ ଟିକେ ନା ଖାଇଦେଇଥିବେ, ସେ ଯାହା ହଉ ସେ ପରୀକ୍ଷା କରନ୍ତି ପଥରରେ ଘସିକି। ସେମିତି
ये विपद होची महाप्रभु आमर माने केते टाण आमर न हृदय केते टाण ताकु घसी की परीक्षा करिया पई ता होची विपद रे ही परिया कर विपद समय रे तेनु आउरी उठे कथा मध्ये आसे कोन ना भगवान जहाकु बेसी भलो पान ताकु बहुत धैर्यर सहित सम्मुखीन होई निश्चय सफलता हासिल करैथांती आउ ताकु टिके बेसी कष्ट दियंती आपण देखुचंती मेढ ये कौन सही मेढ आसिला ना आउ गोटे मेढ आसिला ये तो गोटे गोटे मेढ चली साई भितर आज जेहेतु दोहली पर्व आज देवदेव महादेव शंकरंकर आज शीतल षष्ठी माने प्रत्यावर्तन शंकर भगवान कहले कना भल कथा जेतेबेले प्रत्यावर्तन करिवे ससुर घर को जेतेबेले दिन त राजा आइतिबे जे ससुर घर जो आदर तापर सात मंगला रे जिबे सी जो आदर कहवा हा कि स्वर्ग सुख बाप रे बाप जेमितिया सात मंगला जाई तापर षोल मंगला जाई आउतरे पुण्य डाकरा पर्यंत ले थाए पुण्य डाकरा पर्यंत भाबिबे हे मु आगुआ काई बाहन होली रे एते चर्चा एते मान एते सम्मान जेमिति टिके पुरुणा हे जिबे सरीगला तापर तो जुई होउचंती दशम ग्रह कोन नौटा ग्रह जा दुई हूँ दशम ग्रह तापर कह हे कहीं एड़ बड़ भूल कली सतरे मु कहीं बाहली मुझे जापर आक भी घटी शंकर पार्वती पाखे घटी शंकर पार्वती पाखे एक घटी आम एवं सुधा लोककथार देखुं केड़े सुंदर मानने मेढ़ देखुं सोल जरी जमुरारे विशाल टाया आकृतिर आपण देखुं मुकुट शिरोमणि एपटे पुणी आम बड़ दांड को आसीगले बड़ दांड कौन लोकारण्य राति नौटा बाजला जाऊन सब खाई घर टिके विश्राम कर कहीं पुणी नाई विश्राम कड़े करेंगे महाप्रभु कीर्तन करतन मंडली अविरत कीर्तन चली अहर्निशी कीर्तन चली जोटी अहर्निशी तुकीस जपिबु तानाम तोर जपरे ना तानाम को से निरंतर तई जपु अचई जिते निरंतर जप चली आउ से विश्राम कौन विषयुक्त राम विश्राम विष सांगे जदि राम प्रयोग आसीगले तेठी विश्राम मिलला तेणु ये जोटे राम नाम अच्छी आपण बड़दाण्डर दृश्य देखुं तेणुक गोटे भल कथा आसे कौन विपद समय महत जनर धैर्य न हुए भंग विपद समय जिते विपद आसी थाए महत लोकर धैर्य केवे भंग हुए केमिति भंग हुए नी दाहे प्रहारेण शुद्ध जम्बु नद देखुं ये कौन आगू आगु गले मेढ़ प्रस्तुति महाप्रभु अरुण स्तंभ पाखरे गोटे घेरा बुलिकी कौन चली देखुं के आनंद उत्सवर कथा आनंद उत्सव दाहे प्रहारेण शुभ शुद्ध जम्बु नद जे रंग कुसेई रंग जेते आपण ताकु तो माने नियारे पोड़ी दियंतु जेते बाड़ांतु जेते जहाँ आघात दियंतु पछे के शुद्ध जम्बु नद माने जी खांटी सुना सी ता रंग केबे छाड़िबनी जो रंग ताकु पोड़ी देबे से आउरी सुंदर देखा जीव ताकु जेते बाड़ेबे सुनार रंग बदली जीव बदलिबनी जो रंग को सही रंग रहिबो जम्बु नद कहिले सुना तबे सेति पई जो पिला कष्ट सही थाए समय को खाप खुआ कि चली थाए केते बेले अच्छी तो खीरी सरपुरी खाइला केते बेले नाई साग पखाल समय नला समय को खाप खुआ कि चलला से पिला को झड़ झंझा सब प्रकार सहय करी परिला ताकु कहा गला सुना पिला तेणु कहती इटा सुना पिला सुना पिलाटा कौन तेह जाक सुना बोला ना ताकु सुना रे किए से मंडी दिए देहरे देह सारा बेकरे हाथ रे कांध रे ये सब बाहुरे एगुड़ाक सब सुना मंडी हेल्ले सुना पिला कह जाए सुना पिला कह जाए सुना पिला ताकु ही कह जाए जी दाहन पीटन कर्तन धर्षण ये सब कुछ सही थाए कि परिवर्तन आसी नए से जो कथार थाए जे मु महाप्रभु बा मोर निजर कर्तव्य मु कर्तव्य को केते बेले अवहेला करिवेनि उदाहरण आपण देखंतु जणे कृषक गोटे गध रखिथला कृषक टिए गध टिए रखिछि तार बहुत कार्य से गध द्वारा साधन करुछि
आउ जते बले जुआड़े गला से गध द्वारा सब कार्य से हासिल कला आ गधटी मध्य ता कार्य रे केबे अवहेला करेनी तबे एमती किछि वर्ष जते बले बीती गला से गधटी को वार्धक्य आसीला कारण आपण माने भलो भाबरे जानिचंदी समस्ते जीवन बसंत रे यौवन कड़ी फुटिण दुई दिने पड़ब झड़ी आज जो यौवन वयस अच्छी कालिक से बार्धक्य आसव आज जो मैंने पिला कालिक से युवक परिणत हे आज जो मैंने युवक काली से वृद्धे परिणत हे ये तो समय चक्र तो घूरी घूरी चली तेणु जिते बड़े बार्धक्य आसला फल से कौन कला आउ जो आम जिते युवक अवस्था जी दौड़ धपड़ करी कम कर बार्धक्य आसिले आतीक दौड़ धपड़ से पारे से तो आमर सैन्य बाहन सब उदाम चेहरा वाला रखा जाए जो मैंने पूरा एकदम नवजुवक नवजुवक मान रही था सब मान सैन्य बाहन उदाम चेहरा टकमक पातर टकमक अवस्था बेस कोड़े रु तीस वर्ष भितर पिला बयस तीस तो बहुत होगा पचीस वर्ष भितर से सिलेक्शन हो जाए तेज जाओ गधटी बार्धक्य आसला आग भाई कम कर पार्लानी तेणु मालिक खुशी थाए तथा देखे एत दिन कम कर गधटा आम पाखे रही तेणु ताखे से खुशी थाए मालिक पाली गधटी को बहुत कम कर किंतु दिने दुर्भाग्यवशत बुढ़ा गधटी गधटी बुढ़ा हो कौन कला ना से पच बारी पच पटे बुलु बुलु गोटे कूटे थिला से माने कूटी सेमती खाली थिला फांकाई रही कूपर पानी ना खरा दिन तेणु से कूटी सेमती अच्छी परित्यक्त कूटा ता भितर से गली पड़ला विपदरे पड़ी राति अध बोबाली छाड़ा गधर अड़ी पकेला कृषक जेतेबेले गधर विकल चित्कार सुनिला किंतु न सुनिला भलिया गाली कि सोई पड़ला न सुनिला भलिया रही गला काहेकि ना कुओ भितरे पानी नथिला तेणु गध तार जीवन बंचीगला आउ बुड़िलानी जीवन बंचीगला सुखिला कुओटा थिला किंतु ऊपर को आसवाक किसी उपाय पाऊनी आप देखुंत दुईट दृश्य जय जगन्नाथ टीवी गोटे पटे पतित पावन महाप्रभु आउ गोटे पटे पतित पावन बाना पखे पखे आसुच हाँ पखे पखे आसुच हई किए पचार ना हई किए पचार ना पूरी आउ के बाट पूरी आउ के बाट अरे मन थे यू मात्र दी हाथ कहीं देखा जाऊँ कालियार नेत नेत देखा जा दूर पूरी आते बाट कौन पचार नेत जो देखाला पूरी आसीगला तेणु यही जो नेत फरफर उड़ू सी बास्तव में मन को चंचल करदे मन को चंचल करदे आम बाटर आसुवा यही पूरा बड़द देखाला बाना देखा आहरी आग्रह बढ़ी थका बट जहाँ थी से दूरे जाऊँ तेरे गधटी बिचारा से रहा से कू भर अड़ी पकई पकई ता पर दिन सका कृषक देखला कू भितर गधटी पड़ी रही कौन कर गध तार जीवन विकल रे कृषक को भाविला जे मु बहुत साहय कर अथच सी सब भूलीगला तेणु कौन कला कि विचार कर पार्लानी मनरे भाविला आज मु मैंने एपटे चिंता कला जे गध पड़ी सेमती कू भितर मनीष चिंता कला रे ये तो बुढ़ा हो गला कौ काम को नुह ताकू रख खाया पीवा को देकी से खाइब पीब रोटा कर गोटे गुड़ी दीटा शिकार हो गला आज गोटे गुड़ी दीटा शिकार हो गला कौन गोटे गुड़ी दीटा शिकार ना कूटी को आज पोती दबा आज कूटी को पोती दबा हेले कौन हम ना कूटी को पोती दबा को हेबो गध को समाधि दबार हम बाजा बाजी डिंडीम बाजिकी बा 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 ये आवरी आसीगले सब डेकोरेसन जिते जा सब महाप्रभु पाखक गोसाणी जतरे जमी भसाणी दिन महाप्रभु सिंह द्वारे समस्ते मिलन जहाँ को गोसाणी जत कहुए ये सेमती आपत जो दोहल जत
दोहल जातरे समस्ते जे जमी हाथ गोटे बाड़ी जो बाड़ी कौन तार गुड़िक सब उपरक धला छत्री आपत देखुंत आगे पचर छत्री जाऊँगी सिंहद्वार भिड़ रही सिंहद्वार एवं चंद्राताप रही महाप्रभु को दर्शन करने को जीए भूमिकार अवतीर्ण करुंटी ठाकुर को मध्य नहीं कि आसती बुलेवाई सिंहद्वार से गोटे कथा आसे उत्कलमणि गोपबंधु कही बसे परा तहि देव सभा नीति देवसभा बसे किंतु कौन हुए पड़े ना किए ओडिशा दुर्गति ओडिशा जो दुर्गति आड़ी जाऊँगी से कथा कभी विचार पड़े नहीं बोले कहीं प्रभु हाँ देवदेव महादेव शंकर भगवान आशुतोष जटाटवी गल ज्वल प्रवाह पावित स्थले किए साग देखी सार कहीं शिवतांडव एतिक नचेब सी हे तो सी नाची नाचिक राति सारा बस आज विदाय नौ आम बसिक नचेबा ना कौन ना ना प्रभु आचवा दरकार नहीं एथर हाँ वृषभ महाप्रभु कि सुंदरिया कथा ये पंचानन कि खुशी महाप्रभु बाहर भारी खुशी एना भारी खुशी लगु तो रही तो आल्प दिन जाऊ गणेश जन्म बेल को कहते काले काले शिव हे तुम निष्ठुर भाव तेजी नपारिल हेजी नपारिल नारी हंता कहीं नपाए ठाव ये कथा जितेबले कहले ना मु कौन तुमको केवे स्नेह श्रद्धारू के विच्युत करी ना स्नेह कथा कहे साई मन मध्य टिकिए ना जन्मे जन्मे मत करी था हत एक टिकिए हृदय भाव एतिक तो कही शंकर लाजे लगला निया कहले कौन मुते बड़े स्नेह श्रद्धा करी जाओ तुम्हें एटू पढ़ा शीघ्र एटु विदाय नि भांगी पड़ू पछे कईला सचुड़ा अंबर जाऊ फाटी फाटी जाऊ पछे धार धार हो धरणी तलर माटी तलमल होसुकी आसन सात खंड होरा मैंने सब तुम्हें विदाय नि वज्र विजुड़ी एकाकार बरसु मुसलधारा बरसु मुसलधारा यही मो आदेश रख भगवती निमिष के हुआ दूर जही इच्छा तही चली जाओ बेगे तेजी कैलासपुर तेजी कैलासपुर ये बाहर मजा तेणु आपण मैंने चिंता करतु ये सुख दुख संसार लग रही जदि शंकर पार्वती जहाँफल कि गणेश जन्म ये मध्य ब्रह्म वैवर्त पुराण ये गोटे कथा एपटे कीर्तन नाम कीर्तन चली भक्त मान को आपण मैंने देखुं तेज गधटी भितर पड़ी एवं कूटी को पोती देवी गध से समाधि दीटा कथा जीवंत समाधि कृषक एक भाविला भाविकी कूर में मटी पोतवाई लोक सब डाकिला जड़े लोक डाकिला भाई ये कूर में मटी पकाओ नाम कीर्तन आपड़ देखुं राम नाम सुखदायी भजन करो भाई ए जीवन दो दिन का ए जीवन दुई दिन मात्र मात्र मझीरा आम दु दिन कुणिया एथिपाई क्या नियंट दुनिया एथिपाई आम को दुनिया अटुनी दु दिन कुणिया तेबे जाऊ जेते बेले लोकटी कोदाल आणिकी माटी पकेला कुओ भीतर को एका बेले गध माटी रे पोती जा फळ रे अधिक चित्कार कला भितरे कुओ भितरे पड़ी गध एपटे जीवन अच्छी ताकू उपर मटी पकेला सी कौन कला चित्कार कला मत बचाओ भाई मत बचाओ बचाओ किए कहीं शुण कितु हेले उपाय कि ना तार शेष नीरव रहा कला हे महाप्रभु हे देवदेव महादेव हे जगतर नाथ जगन्नाथ तुम्हें सबु एक क्या डाकि जी भी था महाप्रभु मत उद्धार कर मनरे गोटे बल आसीगला जोबले महाप्रभु नाम डाकि महाप्रभु नाम स्मरण कर मनरे बल आसीगला आप देखुं कीर्तन यही अनेक कीर्तन आपत देखिए बड़दाण्ड खाली कीर्तन उछुड़ी पड़ो आउ मात्र 26 दिन अपेक्षा एथर रथजात्रा बिना विज्ञापन विरतिर आम केवल जय जगन्नाथ टीवी देखा मैंने हजार हजार संख्यक खाली कीर्तन मंडली आगे आगे चली थे रथ गड़ी गड़ी चली थो घिड़ी नंदीघोष रथ शब्द कर घर घर नादर चली थो कीर्तन मजन सबकि चली थो खोल कीर्तन बड़दाण्ड पड़ु उठू आज शीतल षष्ठी में आपण मैंने देखुं नाम कीर्तन दोल उत्सव समस्ते पारंपरिक वस्त्र रही के सुंदर नाचुंट आज शीतल षष्ठी श्रीमंदिर जल क्रीड़ा आसंता काली श्रीमंदिर मजणा एवं एकांत घरे बसिक निज टीवी परदारे श्रीक्षेत्र पुरीधाम प्रत्येक दिन सका आपण महाप्रभु श्री जगन्नाथ लाइव दर्शन करूँ एवं निजर दिन को मंगलमय कर सहित महाप्रभुं वर्ष सारा
ଯେତେ ସବୁ ଚାଲିଛି ସମସ୍ତ ଦିବ୍ୟ ଲୀଳାର ସିଧା ପ୍ରସାରଣ ଦେଖନ୍ତୁ କେବଳ ମାତ୍ର ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଟିଭିରେ। ହଁ, ଏ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ଡି ଟି ଏଚ୍ ଏବଂ କେବୁଲ ଅପରେଟରଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ତେବେ ଗଧଟି କୂଅ ଭିତରେ ମାଟି ପଡ଼ୁଛି ଉପରେ। ଯେତେବେଳେ ମନେ ମନେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଡାକିଲା, ଶେଷକୁ କ'ଣ ହେଲା, କ'ଣ ଚିନ୍ତା କଲା, ତା ଉପରେ ଯେତେବେଳେ ମାଟି ପଡ଼ି ଚାଲିଲା, ସେ କ'ଣ କଲା, ମୁଣ୍ଡ ଟିକି ତଳକୁ ପୋତିଦେଲା, କେବଳ ଆଖିରେ ଯେମିତି ନ ପଡ଼ୁ, ମାଟି ପଡ଼ୁଛି ଯେତେବେଳେ ତା ଉପରେ ଝାଡ଼ି ଝୁଡ଼ି ହେଇ ପଡ଼ୁଛି, ଫଳରେ ମାଟି ତଳକୁ ପଳାଉଛି, ନିଜେ ଝାଡ଼ି ଝୁଡ଼ି ହେଇଯାଉଛି, ମାଟି ତଳକୁ ରହିଯାଉଛି, ପୁଣି କ'ଣ କରୁଛି ନା, ମାଟି ତଳକୁ ରହିଲା, ଗଧ ଉପରକୁ ଉପରକୁ ଉଠି ଉଠିଗଲା ଧୀରେ ଧୀରେ, ତା ଉପରେ ଯେତେ ମାଟି ପଡ଼ିଲା ଝାଡ଼ି ଝୁଡ଼ି ହେଇଗଲା, ଉପରକୁ ଉଠିଲା ଆଉ କ'ଣ। ଯେତେବେଳେ ଉପରକୁ ଉଠିଲା, ଶେଷରେ କୂଅଟିରେ ଯେତେବେଳେ ମାଟି ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଗଲା, ଗଧ ଝାଡ଼ି ଝୁଡ଼ି ହେଇକି ଉପରେ ଆସି ଠିଆ ହେଲା। ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଗଧ ଝାଡ଼ି ଝୁଡ଼ି ଆସି ଠିଆ ହେଲା, ତାହେଲେ ହେଲା କ'ଣ ଏଠି, ତା ଆଉ ଫେରିନି ଜଙ୍ଗଲକୁ ସିଧା ରହିନି। କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଏଇଠି ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରି ବିପଦର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଇ ଶେଷରେ ସେ ଜୀବନକୁ ବଞ୍ଚେଇଲା, ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରିବା। ତେଣୁ ବାସ୍ତବରେ ଆମେ ଏକଥା କହିବାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ନା, ମଣିଷ ଜୀବନଟା ଠିକ ଏଇଭଳିଆ, ଆମେ ସବୁ ସଂସାର ରୂପକ କୂଅରେ ପଡ଼ିଛେ, ଆମକୁ ସବୁ ଯେତେ ଦଂଶନ ଆସୁଛି ଇଏ ସବୁ କୂଅ ଭିତରେ ଉପରୁ ମାଟି ପକାଇ ପୋତି ଦେବାକୁ ବସୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମ ଉପରେ ବହୁତ ଆଡ଼ୁ ବିପଦ ମାଡ଼ି ଆସୁଛି, ଅନେକ ବିପଦ, ଏମିତି କେଉଁ ଲୋକ ନାହିଁ ଯାହାକୁ ବିପଦ ନାହିଁ, ଏଠି କୀର୍ତ୍ତନ କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ଦେଖିବେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଉଦଣ୍ଡ କୀର୍ତ୍ତନ, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କୀର୍ତ୍ତନ ସମସ୍ତେ। ଗୋଟିଏ ଭଲ କଥା, ନଦିଆ ନଦୀପୁର ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ଆସିଲେ, ଗୋଟିଏ କଥା କହିଗଲେ, କ'ଣ ନା, ହରିନାମ ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ, ହରିନାମ ଯୋଡ଼ା ଅକ୍ଷରକୁ ସରି ନୋହିବ ଶଗଡ଼େ ସୁନାରେ, ଏଇ ଯେଉଁ କଥା ଆସେ, ତାହେଲେ ଏଠି ଗୋଟିଏ କଥା କହିଲେ, ମାଗୁରୁ ମାଛକେ ଝୋଲ, ଯୁବତୀ ନାରୀକେ କୋଲ, ବେଟା ହରିଆ ହରିଆ ବୋଲ। ସିଏ ମାଗୁରୁ ମାଛ ଝୋଳ ଖାଉଥାଅ, ଛେଣିକି ଯୁବତୀ ନାରୀର କୋଳରେ ଶୋଇଥାଅ, କିନ୍ତୁ ମନରେ କେବଳ ହରେ କୃଷ୍ଣ ହଉଥାଅ, ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପାଉଥାଅ, ଆଉ ମହାପ୍ରଭୁ ପାଇବ ମଧ୍ୟ। ଏକଥା ସୁନ୍ଦର କଥା ଇଏ, ଆଉ କେତେବେଳେ, ଇଏ ତ କଳିହତ ମାନବ ପାଇଁ ତ ସମୟ ନାହିଁ, ଇଏ ତ କାମରେ ବିଷୟରସରେ ମଜିକି ରହିଲା, ବିଷୟରସରେ ମଜିଲି ସାଧୁ ସଙ୍ଗକୁ ତେଜି, ମୁକ୍ତି କେମିତି ପାଇବି। ତେଣୁ କଳିଯୁଗ କଲିଯୁଗ କେବଳ ନାମ ଆଧାରା, ସୁମିରି ସୁମିରି ନର ଭବ ନଦୀ ପାରା, ଇଏ ଭବସାଗରରୁ ପାରି ହେବା ପାଇଁ ହେଲେ ବାସ୍ତବରେ ଇଏ ହରିନାମ ହିଁ ଏକମାତ୍ର ଶ୍ରେୟ ପନ୍ଥା। ଆପଣମାନେ ଯେ ଯାହା ପାଖରେ ସମୟ ଅଛି ସିଏ ଯିବ ସିଂହ ଦ୍ୱାରା କୀର୍ତ୍ତନ କରିବ, ଯାହା ପାଖରେ ସମୟ ନାହିଁ ସେ ମନ ଭିତରେ ଅହର୍ନିଶି କୀର୍ତ୍ତନ କରୁଥିବ, ତାର କର୍ମ କରୁଥିବ। ତେଣୁକରି ସେଇଠି ତ ସୁନ୍ଦର କଥା କହିଲେ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ, ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଥିଲେ, ଆଜ୍ଞା କାମ ନାହିଁ ଠିକ୍ ଅଛି, ଆମେ ହରିନାମ କରିବା, ଘର ମହାପ୍ରଭୁ ଚଳେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେଉଁ କର୍ମରେ ଅଛି କ'ଣ କରିବି, ନା କିଛି ନାହିଁ, ତୁ କର୍ମ ତ କରୁଛୁ ନା, ନାମ ତ ନେଇପାରିବୁ, କାମ ବି କରିପାରିବୁ, ନାମ ବି ନେଇପାରିବୁ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। କାମ ନେବାରେ ନାମ କେବେ ବାଧା ଦିଏନି, କାମ କରିବାରେ ନାମ କେବେ ବାଧା ଦିଏନି, ଆଉ ନାମ ନେବାରେ କାମ କେବେ ବାଧା ଦିଏନି। ତେଣୁ ବିପଦ ବେଳରେ ବୁଦ୍ଧିର ବ୍ୟବହାର ଏଠି କେମିତି ହେଲା ନା, ଆମ ଉପରେ ଯେତେବେଳେ ଅନେକ ବିପଦ ମାଡ଼ି ଆସିବ, ମାତ୍ର ସେଗୁଡ଼ିକ ଝାଡ଼ି ଝୁଡ଼ି ଦେଇ ସେ ଗଧ ଭଳି ଆମକୁ ଉପରକୁ ଉଠି ଆସିବା ହିଁ ବୁଦ୍ଧିମାନର କାର୍ଯ୍ୟ। ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଏହା ହିଁ ହେଉଛି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବୁଦ୍ଧିମାନ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କର ଇଏ କାର୍ଯ୍ୟ, ଯେ ଯେତେବେଳେ ବି ଯେତେ, ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ପିଲାବେଳେ ମନେ ପଡ଼ୁଛି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲେ, ଆସୁ ଯେତେ ଦୁଃଖ ବିପଦ ମୋ ପ୍ରତି, କେବେ ଚଲି ନ ଯାଉ ମୋର ଛାତି, ଯେତେ ବି ଦୁଃଖ ବିପଦ ଆସୁ ମୁଁ କେବେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ହରା ନ ହୁଏ, କାହିଁକି ନା ଯଦି ଛାତି ଚହଲି ଗଲା ତାହେଲେ ଆମେ ଆଉ କିଛି କରିପାରିବାନି। ତେବେ ଏଇ ସିଧା ପ୍ରସାରଣକୁ ଆଗକୁ ଆଗେଇ ନେବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି, ପଣ୍ଡିତ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ପଣ୍ଡା ଏ ସିଧା ପ୍ରସାରଣକୁ ଆଗକୁ ଆଗେଇ ନେବେ। ତେବେ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଏ ଅଧମ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେଇ ଗୋଟିଏ କଥା ବାରମ୍ବାର ଯାହା କହି ଆସୁଛି କହିବ, ପିତାମାତାଙ୍କ ସେବା କରନ୍ତୁ, ଦିନ ଦୁଃଖୀ ଦରିଦ୍ରମାନଙ୍କୁ ସହାୟ ହୁଅନ୍ତୁ, ଏବଂ ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କ ପ୍ରତି ଦୟା କରନ୍ତୁ, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମ ନିଅନ୍ତୁ, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଚକା ଆଖିଙ୍କୁ ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଘରେ ବସି ନିଜ ଟିଭି ପରଦାରେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ପୁରୀଧାମରୁ ଶ୍ରୀ ସକାଳୁ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଲାଇଭ୍ ଦର୍ଶନ କରି ନିଜର ଦିନକୁ ମଙ୍ଗଳମୟ କରନ୍ତୁ, ଏବଂ ଆଉ ମାତ୍ର 26 ଦିନର ଅପେକ୍ଷା, ଅପେକ୍ଷାର ଫଳ ମଧ୍ୟ ମିଠା, ଅପେକ୍ଷା କରି ରୁହନ୍ତୁ।
ଶ୍ରୀଗୁଣ୍ଡିଚା ରଥଯାତ୍ରା ଆମେ ଦେଖିବା ବିନା ବିଜ୍ଞାପନ ବିରତିରେ ଏବଂ ଆନନ୍ଦ ମନରେ କୁହନ୍ତୁ ହାଇ ହ୍ୟାଲୋ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ କୁହନ୍ତୁ, ଜୟ ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।